चलें अब देखते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड प्लेटेड होली क्राउन। ये अच्छी बात है कि ये जो फनपारे हैं कुरान पाक के, ये बिल्कुल एंट्रेंस पर रख दिया इन्होंने। जब मैंने शुरू के ब्लॉग्स देखे तो वहाँ पर नहीं थे, विच इज़ वेरी गुड। तो पाकिस्तान जो अपनी सकाफत और अपने रिलीजियस व्यूज़ जो है लोगों को दिखाना चाह रहा था, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने इंटरव्यू सुना था, ये एक एक पैलेट जो है वो डिफरेंट साइज़ का है, मतलब कि एक एक जो इसका पैलेट का साइज़ है वो एक एक नैनोमीटर के डिफरेंस से बना हुआ है। ऐसा नहीं कि एक एक इंच के या एक एक नैनोमीटर में भी फ़र्क है, किसी में एक एक सेंटीमीटर भी है, किसी में आधा सेंटीमीटर भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से जब लाइट पड़ती है दिन के हर टाइम में तो कलर बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है। वालम साम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। मोमेंटो रोड के मोस्ट अवेटेड पवेलियन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो पाकिस्तान, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये एक पहली मोहर और सनद जो मिली थी खुदाई में, वो ये मोहर थी। फिर ये टाइमलाइन बताई जा रही है पूरी हिंदुस्तान की। मेहरगढ़, आई डोंट नो कि 7,000 साल पहले फारसी या उर्दू के वर्ड्स यूज़ होते होंगे, बट मेहरगढ़ वगैरह आई डोंट बिलीव दिस। हाँ, इंडस वैली, सिंधु वैली बन सकती है, बट एक पूरी टाइमलाइन है जो कि बताई गई है। यहाँ पे सारे आर्टिफैक्ट्स जो मिले वो दिखाए जा रहे हैं। 1857 ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, देन 1947 द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये वो आर्टिफैक्ट हैं जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले। अब हम एंटर हो रहे हैं मुगल एरा के अंदर। मुगल, द मुगल्स। जब मुगल्स आए तो वो अपने साथ पर्शियन और टर्किश, उसमें टच था, उज़्बेक, ताजिक, इन सब की हिस्ट्री, कारीगर, वो सब कुछ लेके आए, जिसकी वजह से हमें आज पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये है हिंदुस्तान की असली पहचान। ये हमारे सिंध के लोगों का खुद का बना हुआ है, ये ना हिंदुस्तान से आया। ओह सॉरी, ये ना टर्की से आया ये आर्ट, ना ईरान से आया ये आर्ट, ना उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से आया। ये आर्ट प्योर पाकिस्तान सिंध से। एक बात मानने की है, 8-10 पवेलियन घूमने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान पवेलियन जो है काफ़ी वाइब्रेंट है। बल्तिस्तान, कैलाश, वहाँ की सकाफत को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कैलाश,
कैलाश के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये अलेक्जेंडर की फौज के साथ हिंदुस्तान आए थे, और जो फौजी अलेक्जेंडर के रह गए यहाँ पर, ये उनकी नस्ल में से, बिकॉज दे डोंट हैव एनी रिलीजन, इनका कोई मतलब नहीं है। ये जी हमारी पंजाब की कल्चर। अरे जरूर, टूर ऑपरेटर पाकिस्तान के ना? हाँ हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान के जरूर आपको टच करेंगे। तकबाई नियर सवात मर्दान विजिट किया हुआ मैंने। Futuristic Pakistan, pink salt, the famous pink salt. इसके बारे में मशहूर ये है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट बरसगीर को, मतलब हिंदुस्तान को फतह करने आया था, तो खेवड़ा के मकाम पर उसके घोड़े ने ये नमक खेवड़ा के मकाम पर उसके घोड़े ने एक पत्थर को चाटना शुरू किया। जब अलेक्जेंडर ने ये डिस्कवर किया कि ये उस पत्थर को क्यों चाट रहा, तो पता चला कि वो पत्थर नहीं था, सॉल्ट था। तो फर्स्ट टाइम पिंक सॉल्ट की दरियाफ्त हुई, और इस तरह से पता चला कि पाकिस्तान जो है पिंक सॉल्ट की नेमत से मालामाल है। ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी हम चाइना से लेके आए हैं। बताया गया है कि हमारे पाकिस्तान में मिलियन ट्रीज ने क्या किया है वो बताया गया। चलें जी, छांगा मांगा के जंगलों के बाद अब हम आ गए हैं
द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। सो फार सो गुड। सिंधी खड्डियां भी आ गई हैं। भाई ढाबे में तो जाने नहीं दे रहे। हाँ भाई क्या हाल है, ढाबे में क्यों नहीं जाने दे रहे? ढाबे में सर अभी फुल है जगह। चलो ठीक है, मैं सऊदीया से हूँ। वेलकम। पाकिस्तानी होते हुए पाकिस्तानी स्टैंप लगवानी पड़ेगी। फर्स्ट पेज पर मैंने और किसी के लगवानी भी नहीं थी, मिंट में लगा देती ना आप। थैंक यू। तो भाई पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पर पाकिस्तान की स्टैम्प। इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, बट लिटरली पाकिस्तानी पवेलियन था वो काफ़ी बेटर था। कुछ वाइब अलग थी, कुछ एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी। ऐसा नहीं था कि घूम के आओ और बाहर निकल जाओ, तो काफ़ी बेटर था। अब हमें आई थिंक जाना चाहिए सऊदी पवेलियन की तरफ।